हेलो बच्चों, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। और हाँ, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होएगा क्योंकि मैंने को ना एक टॉपिक खत्म करने का है, तो इसलिए हम पहले ही बोल देते हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखना। तो ज्यादा कुछ सीखेंगे भी इसमें, बड़ा होगा तो वैसे थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन्स। यानी हैलोएल्केन कितने प्रकार के, मतलब कौन कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, वही जो आप पूछ रहे थे, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाइए, साइनाइड के साथ करवाइए, नाइट्राइल के साथ करवाइए। तो सारा रिएक्शन बारी बारी से देखेंगे कि हैलोएल्केन किस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो चलो फटाफट तैयार हो जाओ, कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और देखो टकटकी लगा के चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ने का आज हम लोग को, आज हम लोग को पढ़ने का उदाहरण, फटाफट हेडिंग लगा लो, ये हमारा हेडिंग है इतना बड़ा। हाँ, एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हैलोएल्केन्स। कुछ नया लगा? हाँ, आज हिंदी पहले और इंग्लिश बाद में, मातृभाषा है भाई। तो ये था आज का हेडिंग, जल्दी से हेडिंग लगाओ और हम लोग देखते हैं इसमें सबसे फर्स्ट रिएक्शन, पहला रिएक्शन क्या है। तो पहला रिएक्शन है सबस्टिट्यूशन बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। अब इसमें होता क्या है, तो देखो हम ले लेते हैं एक एल्काइल हेलाइड आर एक्स। क्या है एल्काइल हेलाइड है, ठीक है। और एल्काइल हेलाइड को जब आप रिएक्शन करवाते हो किसके साथ, के ओ एच के साथ। और एक ऐसा के ओ एच रहता है, ये रहता है एक्वस के ओ एच, यानी के ओ एच के जलीय विलयन के साथ रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हेलाइड को। KOH का नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तो एकदम क्यूट सा कंपाउंड बनता है। देखो क्या बनेगा, तो एकदम सिंपल है। आप क्या करना कि यहां से X को पकड़ना और यहां से K को पकड़ना, ठीक है, यहां से x को पकड़ना और यहां से k को पकड़ना। और kx क्या हो जाएगा, देखो k प्लस और OH माइनस, एक यहां पे इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, k प्लस और OH माइनस, और यहां पे हैलोजन माइनस में और एल्काइल प्लस में, a प्लस और a माइनस। तो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, हैलोजन बाहर निकलता है और न्यूक्लियोफाइल जाके जुटता है, तो OH जाके जुटेगा। देखो ये किसमें टूटेगा, ए प्लस और ए माइनस में टूटेगा, और ये किसमें टूटेगा, ए प्लस और ए माइनस में टूटेगा। तो ए प्लस और ए माइनस आपस में जुड़ जाएगा और बना लेगा क्या, आर ओ एच यानी एल्कोहल बना लेगा। और ए पोटेशियम और ए हेलोजन, पोटेशियम हेलाइड के एक्स का निर्माण करेगा। ये हमारा बन गया एल्केनोल जो कि एक एल्कोहल है। और इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे पोटेशियम हेलाइड। अब हेलोजन की जगह पे क्लोरीन रहेगा तो क्लोराइड,
ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमाइड। तो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक एग्जांपल करते हैं इसमें, CH3 CH2 Br, और इसे रिएक्शन करवाते हैं KOH एक्वस के साथ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। आप इसका प्रोडक्ट बनाओ, तब तक हम इधर इसको साफ कर लेते हैं। तो देखो यहां जो हम एग्जांपल के रूप में लिखे हैं उसको थ्योरी के रूप में ऊपर लिख दिए हैं। देखो तो एल्काइल हैलाइड और हेलोइलकेन, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है या हेलो इल्केन है, इसी का तो दो नाम है, तो मेरा भी दो नाम है, बताना कमेंट में क्या क्या मेरा दो नाम है। चलो इधर देखो, एल्काइल हैलाइड या हेलो इल्केन फॉर्म एल्कोहल, क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। एल्काइल हैलाइड या हेलो इल्केन एल्कोहल बनाता है बाय हीटिंग विथ एक्वस एल्कली, एक याद रखना, एक्वस एल्कली, एल्कली मतलब भस्म होता है, भस्म, तो जलीय भस्म, जलीय क्षार, KOH या NaOH, एक्वस एल्कली कौन, एक्वस एल्कली किसे कहेंगे, तो देखो KOH के जलीय विलयन को एक्वस एल्कली कहेंगे या NaOH के जलीय विलयन को एक्वस एल्कली कहेंगे। और भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं दोनों को बोलेंगे, जितने भी इस तरह के कंपाउंड होंगे एक्वस एल्कली और मॉइस AgOH या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के जो गीला होता है, गीले सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ भी अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल प्राप्त होगा। एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन को जलीय एल्कली मतलब KOH या NaOH या गीले सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। तो जैसे देखो ये एग्जाम्पल एक दिए हैं आपको हम, इसको फटाफट लिख लो, तो क्या होगा, यहां से Br और यहां से के बाहर हो जाएगा, KBr बाहर हो जाएगा और बनेगा क्या, CH3 CH2 OH plus KBr, ये हो गया इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, या इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेनॉल, अब ये हो गया पोटेशियम ब्रोमाइड। ओके तो ये रिएक्शन हुआ। अच्छा कुछ याद आया, कल हम इसके बारे में बताए हैं, कल भी बताया है कि जब KOH एक्वस लेंगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और एल्कोहल बनेगा, और यदि जब एल्कोहलिक ले लेंगे तब एल्कोहल ना बनके एल्कीन बन जाएगा और इलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। अच्छा इसी को एक और एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे देखो CH3 CH2 Cl plus AgOH, AgOH इसके साथ भी अगर आप इसका रिएक्शन करवा देते हो, चलो यहाँ Cl से हटा के Br बनाते हैं क्योंकि सिल्वर ब्रोमाइड एक अच्छा कंपाउंड है, तो Br यहाँ भी क्या होगा, AgBr बाहर होगा और हमें एल्कोहल प्राप्त होगा, CH3 CH2 OH plus AgBr। तो सारे ये हो गया इथाइल ब्रोमाइड, ये हो गया सिल्वर हाइड्रोक्साइड, ये है इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल, है सिल्वर ब्रोमाइड। चलो तो जल्दी से इसको लिख लो, फिर बढ़ते हैं सेकेंड रिएक्शन की ओर। चलो सेकेंड देखते हैं हम लोग, दूसरा रिएक्शन है सबस्टिट्यूशन बाई एल्कोक्सी ग्रुप, और यहां पे बनता क्या है, इथर बनता है, फॉर्मेशन ऑफ इथर, एल्कोक्सी एल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, और बनेगा क्या, इथर, इथर का निर्माण होगा, किससे, एल्काइल हैलाइड से होगा। तो देखो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अपने पास एक है एल्काइल हैलाइड, क्या है, एल्काइल हैलाइड, जाना पहचाना तो है एल्काइल हैलाइड, और इसे हम रिएक्शन करवाएंगे कंपाउंड RONA। अब ये क्या है, इसे हम बोलते हैं
सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, इसी को हम लिखे हैं एल्कोक्सी समूह। क्या बोलते हैं इसको? एल्कोक्सी समूह। ये हो गया सोडियम, ये हो गया एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड कैसे? एल्कोक्साइड जैसे देखो CH3 को देखना, समझ जाना, समझ जाओगे पूरी तरह से। CH4 को मीथेन यानी एल्केन बोलते हैं, एल्केन। CH3 को क्या बोलते हैं? एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल गया तब हम इसे बोलते हैं एल्काइल, और एल्काइल में अगर ऑक्सीजन जुड़ गया ना बच्चों तो इसी को बोलते हैं एल्कोक्सी यानी मिथोक्सी हो गया। CH3O क्या हो गया? मिथोक्सी, एल्कोक्सी। एल्काइल में वो जुड़ गया ऑक्सीजन तो हो गया एल्कोक्सी, तो हो गया ना एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। तो जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? देखो प्रोडक्ट मिलता है वही मिलेगा, यहां माइनस ऑक्सीजन निगेटिव और सोडियम पॉजिटिव, और यहां पे क्या ए माइनस और ए प्लस। तो देखो यहां से माइनस हटेगा और ए प्लस के साथ जुड़ जाएगा, मतलब हमें मिलेगा आर ओ आर प्लस, और क्या मिलेगा? तो और मिलेगा एनए और एक्स यानी एनए एक्स मिलेगा, है ना, एकदम सिंपल मजेदार, सब साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको कि ऑक्सीजन निगेटिव होगा, नॉन मेटल है, और सोडियम पॉजिटिव में टूटेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ जुड़ जाएगा और निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ, यही तो है हमारा ईथर। क्या बोलेंगे? डाई एल्काइल ईथर, इधर भी एल्काइल इधर भी एल्काइल, तो डाई एल्काइल ऑक्सीजन है तो क्या बोलेंगे? ईथर, या फिर इसको IUPAC नंबर इसका चाहो तो लिखो एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन हो जाएगा, एल्कोक्सी एल्केन, और ये सोडियम हैलाइड हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन हुआ सब्स्टिट्यूशन बाय एल्कोक्सी ग्रुप सोडियम एल्कोक्साइड को। तो लिखेंगे कैसे? व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम एल्कोक्साइड देन ईथर इज फॉर्म्ड। जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, CH3CH2Cl+C2H5ONa। अब इसे कंप्लीट करो, इसे कंप्लीट करो, और जल्दी रिएक्शन करवाना चाहते हो तो थोड़ा सा इसे क्या कर दो, हीट कर दो, हीट कर दो, तो बताओ क्या बनेगा। अब तो आराम से आप बता सकते हो कि यहां से क्लोरीन निकलेगा और यहां से सोडियम निकलेगा, तो NaCl बाहर, NaCl बाहर, और बनेगा क्या? तो देखो CH3CH2OC2H5+NaCl। तो इधर भी इथाइल है दो कार्बन है, इधर भी इथाइल है दो कार्बन, तो डाई इथाइल ईथर, क्या नाम होगा इसका? डाई इथाइल ईथर, या अगर IUPAC नाम लिखना चाहो तो एक को क्या करते हैं ऑक्सीजन के साथ लिख देते हैं, तो ये हो गया इथोक्सी और ये हो गया इथेन, दिस इज इथोक्सी इथेन, ठीक है, इथोक्सी इथेन। अब ये क्या है? इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ओके। तो ए था हमारा सेकेंड रिएक्शन। अच्छा इसके बारे में एक चीज और, दिस इज, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ ईथर, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर, मतलब कि इस अभिक्रिया का एक स्पेशल नाम है। और एक चीज याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन आएंगे जिनका कुछ स्पेशल नाम है तो बिल्कुल स्पेशल हो जाते हैं और वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये रिएक्शन अभी कई बार आपको पढ़ना पड़ेगा, एल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ेंगे वहां पे भी मिलेगा, आगे भी मिलेगा, तो दो तीन जगह भी और पढ़ेंगे इस रिएक्शन को, ठीक है। जैसे यहाँ पे है एल्काइल हैलाइड के
प्रॉपर्टी में पढ़ लिए, तो जब ईथर पढ़ेंगे तो ईथर के प्रिपरेशन में भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से इस अभिक्रिया को विलियमसन का इथर संश्लेषण भी कहा जाता है। विलियमसन का इस अभिक्रिया को विलियमसन का इथर संश्लेषण भी कहा जाता है। और मजे की बात तो ये है कि इस रिएक्शन को एक और तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है। ये रिएक्शन जो है ऐसे भी होता है, जैसे एल्काइल हैलाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ये टू मॉलिक्यूल ले लो, एल्काइल हैलाइड के टू मॉलिक्यूल को सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो भी इथर का निर्माण हो जाता है। मतलब यही रिएक्शन है जो विलियमसन सिंथेसिस देख रहे हो ना, यही वाला है, यही रिएक्शन ये भी है। मतलब विलियमसन सिंथेसिस को इस तरीके से भी हम बता सकते हैं, एल्काइल हैलाइड के टू मॉलिक्यूल को सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो यहां से दो सिल्वर और यहां से दो हेलोजन, टू AgX बाहर हो जाएगा, टू AgX, और बनेगा क्या, तो देखो दो को एल्काइल और एक ऑक्सीजन है, ROR यानी इथर का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस को दो तरीके से आप कर सकते हो, इथर का निर्माण दो तरीके से कर सकते हो, या तो एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दो, या फिर एल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल को सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दो। ठीक है, तो ये था हमारा विलियमसन इथर संश्लेषण। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। देखो अब नेक्स्ट रिएक्शन कितने नंबर का भाई, थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर का हो जाएगा हमारा सबस्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट ग्रुप। अब जब कार्बोक्सिलेट ग्रुप के द्वारा, क्या नाम है यार इतना खतरनाक, कार्बोक्सिलेट ग्रुप के द्वारा निर्माण करेंगे तो किसका निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का निर्माण होगा, एस्टर या इस्टर जो करना है कहो। कार्बोक्सिलेट सिलेट रख देते अच्छा रहता, बहुत डर लगता था बचपन में। कार्बोक्सिलेट समूह के द्वारा प्रतिस्थापन और बनता क्या है, इस्टर का निर्माण। अब ये क्या बल्ला है, तो देखो हमारे पास है क्या है, कुछ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं है, लॉकडाउन में एल्काइल हैलाइड है सिर्फ, वो भी लिखा हुआ हाथ में नहीं है, एल्काइल हैलाइड है और इसे कार्बोक्सिलेट ग्रुप के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी RC(OAG) एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। कैसे भाई, तो देखो ये है सिल्वर साल्ट ऑफ RC(OH) को क्या बोलते हो, RC(OH) को क्या बोलते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हो ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां से एच को हटा के और इसके जगह पे सिल्वर जोड़ दिया गया है, तब हम इसे बोलते हैं सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण है, तो इसे बोलेंगे सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्काइल हैलाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट के साथ रिएक्शन करवाओगे बच्चों तो बताओ क्या बनेगा, तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा, यहां से x माइनस बाहर होगा और यहां से Ag प्लस बाहर होगा, तो AgX बाहर हो जाएगा, तो जो बचा वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखो ना समझे, अरे ए प्लस और ए माइनस, ओके, क्योंकि हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक, यहां पे ये धातु और ये अधातु, तो अब बताओ माइनस वाला प्लस के साथ और माइनस वाला फिर प्लस के साथ, तो हो गया देखो R
ओ, ये वाला ओ जुड़ा आर के साथ, सी डबल बॉन्ड ओ और उसके बाद आर, और साथ में ए जी एक्स भी बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा, सिल्वर हेलाइड। अच्छा ये बताओ तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, क्या नाम है? आर सी डबल ओ आर, आर सी डबल ओ आर, क्या बोलते हैं इसे? एस्टर बोलते हैं, एस्टर, एस्टर बोलते हैं। ओके, और दिस इज द प्रोडक्ट। तो चलो एक एग्जांपल करते हैं इस पे, सी टू एच फाइव, अब चेंज करते हैं, अब सी एल कर देते हैं, प्लस सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड को ओ ए जी, इसका प्रोडक्ट आप बनाओ जी। और एक और कंपाउंड दे रहे हैं हम, सी एच थ्री बी आर प्लस सी टू एच फाइव सी डबल बॉन्ड ओ ओ ए जी, इसको भी आप बनाओ जी। तो क्या बनेगा, देखो यहां से क्लोरीन है और यहां से सिल्वर, ए जी सी एल बाहर, तो बन जाएगा, क्या बनेगा, बनेगा सी टू एच फाइव, ए वाला सी टू एच फाइव, ए वाला ओ माइनस यहां जुड़ेगा तो ओ, उसके बाद सी डबल बॉन्ड ओ और सी एच थ्री, और साथ में ए जी सी एल, ए जी सी एल। अच्छा उसके बाद, उसके बाद यहां पे देख लो, तो यहां से बी आर और ए जी बाहर होगा, ए जी बी आर बाहर होगा, सिल्वर ब्रोमाइड, तो बनेगा क्या, तो देखो सी एच थ्री, सी एच थ्री, उसके बाद ओ सी डबल बॉन्ड ओ और अरे यार यहां तो अच्छा सी एच थ्री ओ सी डबल बॉन्ड ओ और सी टू एच फाइव, सही तो है, कहीं पर पका रहे हैं, और ए ए जी बी आर, अच्छा अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अच्छा इसका नाम नहीं बताइएगा, तो चलो बता देते हैं। देखो एस्टर में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के साथ एल्काइल ग्रुप सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं, ये ट्रिक समझ लो, याद रखना, एस्टर में यानी आर सी डबल आर में ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जो एल्काइल जुड़ा रहेगा उसका नाम पहले लिख दो, तो दो कार्बन है तो हो जाएगा इथाइल, इथाइल, और इधर का कार्बन एक दो कार्बन, तो इसका हो जाएगा इथेनोएट, यानी जो एल्केन होगा लिख उसमें ओएट जोड़ देंगे ई हटा के, इसका नाम क्या होगा, तो देखो ये हो जाएगा मिथाइल, और उसके बाद एक तीन कार्बन है तो दो एक तीन कार्बन, तो इसका नाम होगा प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। तो ए हो गया हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए रिजल्ट एस्टर इज फॉर्म, जब एल्काइल हैलाइड को कार्बोक्सिलेट ग्रुप यानी सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। ए रिएक्शन था कंप्लीट, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। तुझसे जो कहना है कहने दे, मेरा दिल तेरे पास रहने दे, मेरा दिल तेरे पास रहने दे। फोर्थ रिएक्शन, फोर्थिंग होगा ना, हाँ फोर्थ होगा, और फोर्थ रिएक्शन है हमारा सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप, साइनो ग्रुप, और बनेगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन नाइट्राइड, एल्केन नाइट्राइड, साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन बनेगा क्या, एल्केन नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल का निर्माण, एल्केन नाइट्राइल का निर्माण। तो चलो देखो अपने पास जो है वही है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, एल्काइल हैलाइड है तो यहां पर लिख दो एल्काइल हैलाइड, और इसे हमें रिएक्शन करवाना है,
पोटेशियम साइनाइड के साथ, केसीएम के साथ, वो भी कैसा केसीएम, एल्कोहलिक है, एल्कोहलिक है, यानी केसीएम के एल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करवाना है। तो जो सीएन देख रहे हो ना, इसी को हम साइनो ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, साइनो ग्रुप। तो एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ, पोटेशियम एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको प्रोडक्ट तो दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो मूर्ख हो। देखो यहां से X और यहां से K, एकदम सिंपल ई वाला खाली टेक्निक आप याद कर लो, कि नहीं याद नहीं कर लो, समझ लो कि क्या होता है। तो यहां से मेटल और यहां से हैलोजन निकल जाता है बाहर, जितने भी मेटल होते हैं, मेटल, मेरा बात ध्यान में रखने का, मेटल जितने के साथ रिएक्शन कराओगे सब में जो मेटल होगा वो हैलोजन के साथ बाहर हो जाएगा। ये सिंपल ट्रिक रखो, डीके बाबा का ट्रिक, मेटल जो होगा यहाँ पे वो हैलोजन के साथ बाहर निकलेगा और बाकी जो जुड़ेगा वही हमारा प्रोडक्ट देगा। तो अब देखना, अब आगे जितने भी रिएक्शन लिखेंगे सब आप खुद से कर लोगे। तो देखो एक्स बाहर हो जाएगा और बनेगा क्या, बनेगा हमारा आर सी एन प्लस KX, और इसे हम बोलते हैं एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइड, इसी को हम बोलते हैं एल्केन नाइट्राइड, ठीक है। अब देखो C2H5Cl प्लस KCl, इसको कंप्लीट करो, और CH2Br प्लस KCl इसे कंप्लीट करो। याद रहे ये भी एल्कोहलिक है और ये भी एल्कोहलिक है, जल्दी से कंप्लीट करो रिएक्शन। तो चलो देखो क्या बनेगा, तो यहां से KCl बाहर निकाल दो तो बनेगा C2H5Cl प्लस KCl। बताओ कितने कार्बन है, दो कार्बन तो यहाँ और एक कार्बन यहाँ। एक्चुअल में जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड होता है ना बच्चों, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, जो CN का बीच का बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो एक और दो, एक तीन कार्बन हो गया, तो इसका नाम होगा प्रोपिल नाइट्राइड। उसके बाद यहाँ देखो एक दो तीन और एक ये जुड़ेगा तो CH2 CN प्लस प्लस KBr, इसका नाम क्या होगा, एक दो तीन चार कार्बन, ब्यूटिल नाइट्राइल होगा इसका नाम, ठीक है। तो चलो इसको लिखो, उसके बाद बढ़ते हैं यहां से आगे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा फिफ्थ, पांचवा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन बाय आइसोसाइनोग्रुप, और यहां पे बनेगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल आइसोसाइनाइड। वहां पे एल्काइल साइनाइड जिसे हम एल्केन नाइट्राइल बोल रहे थे उसका निर्माण हो रहा था, और यहां पे बनेगा एल्काइल आइसोसाइनाइड का, क्या होता है तो देखो सब्स्टिट्यूशन बाई आइसोसाइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, और बनेगा क्या, आइसोसाइनो का आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण। तो देखो जब हम एल्काइल हेलाइड को सिल्वर साइनाइड, एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं AgCN के साथ, तो यहां पे थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बाहर तो वही निकलेगा, बाहर तो मेरा ट्रिक वही याद कर रे बाबा, क्या AgX बाहर निकलेगा, AgX मेटल और हेलोजन बाहर निकलेगा, लेकिन कंपाउंड जो बनेगा अब एल्काइल के साथ कार्बन न जुड़ के एल्काइल के साथ नाइट्रोजन जुड़ेगा। तो यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा आर
एन सी आर एन सी प्लस एजीएक्स, और इसी को हम बोलते हैं एल्काइल आइसो, एल्काइल आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। जैसे होगा क्या, तो हमारे पास है C2H5I इथाइल आयोडाइड, और इसे हम रिएक्शन करवाते हैं AgCl एल्कोहलिक के साथ। तो रिएक्शन क्या होगा, AgI बाहर हो जाएगा, सिल्वर आयोडाइड बाहर होगा और C2H5NC का निर्माण होगा, C2H5NC प्लस AgI। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल आइसोसाइनाइड। अब देखो कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है, इधर दो ही कार्बन है, इथाइल हो गया और इसको हम बोलेंगे आइसोसाइनाइड। अब यहां पे एक सवाल उठता है, सवाल क्या उठता है, सवाल ये उठता है कि जब आरएक्स को केसीएन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब तो आरसीएन बन रहा था, लेकिन जब हम इसे एजीसीएन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हम एक भी टॉपिक छोड़ नहीं रहे हैं, जो भी जितना भी इसमें होता है, जितना भी टॉपिक होते हैं सबको कवर करते चल रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल उठना लाजमी है कि जब हम एल्काइल हैलाइड को केसीएन के साथ रिएक्शन करवा रहे थे तो एल्काइल साइनाइड बन रहा था, और जब हम इसी एल्काइल हैलाइड को एजीसीएन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब ARNC यानी एल्काइल आइसोसाइनाइड का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे भी ये एल्कोहलिक था और यहाँ पे भी ये एल्कोहलिक है, ये है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और ये है एल्काइल साइनाइड और ये है एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, एक ही कंपाउंड है और जिसके साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है वो भी एक ही तरह का कंपाउंड है, ये भी KCN है और ये भी AgCN है, यहां से मेटल बाहर निकल रहा है, यहां से मेटल बाहर निकल रहा है, तो फिर कंपाउंड अलग क्यों बन रहा है। तो इसको जानने के लिए हमें एक चीज जानना पड़ेगा, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, क्या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, उभयदंती नाभिक स्नेही, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इसी वीडियो के लास्ट में इसको हम एक्सप्लेन कर दें, लेकिन अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके तो लिख लो, देखो नेक्स्ट सिक्स्थ रिएक्शन है हमारा सबस्टिट्यूशन बाई नाइट्राइट ग्रुप, और जब नाइट्राइट ग्रुप के द्वारा सबस्टिट्यूशन होगा तो बनेगा क्या बच्चों, बनेगा एल्काइल नाइट्राइट, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट का निर्माण होगा, यानी नाइट्राइट समूह के द्वारा प्रतिस्थापन क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्राइट। तो लिखेंगे एल्काइल नाइट्राइट का निर्माण, एल्काइल नाइट्राइट का निर्माण। अब देखो जैसे हमारे पास एक एल्काइल हैलाइड है, इधर तो सब कुछ एल्काइल हैलाइड ही रहेगा, और इसे हम रिएक्शन करवा देते हैं पोटेशियम नाइट्राइट के साथ, पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो हमारे पास बनेगा क्या। तो देखो ट्रिकवा लगाओ, मेरा वाला लगाओ क्या लगाओगे, तो देखो यहां से हैलोजन और यहां से जो मेटल, बोले ना जो मेटल रहेगा, यहां पे जो मेटल धातु सोडियम पोटेशियम सिल्वर आयरन जो भी धातु रहे वो धातु, और यहां से हाइड्रोजन को सिर्फ बाहर निकाल लो, जो बचेगा वही आपका प्रोडक्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ गए बच्चों, तो सारा रिएक्शन इसका खुद से कर लोगे, कुछ भी याद करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, डीके बाबा ट्रिक
और जो जिससे रिएक्शन करवाएंगे वहां से मेटल को हाइड्रोजन के साथ बाहर निकाल देंगे। चलो तो कि x बाहर हो गया, बचेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बचेगा, अब कुछ करना है, जो बच गया उसको लिख दो R O N O, यही तो R O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O प्लस प्लस के x बाहर, और इसका नाम होगा एल्काइल नाइट्राइड। जैसे एग्जांपल के लिए CH3 CH2 CH, अब इसके जगह पे देखो कुछ भी रहे, एल्काइल कितना भी बड़ा रहे और कुछ भी जोड़ दे, हमें तो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि ऐसा रहेगा तो KX बाहर हो जाएगा, फिर उसके बाद जो बचेगा कंपाउंड बन जाएगा। तो ये हो गया प्लस KONO, अब रिएक्शन कराओ तो क्या बनेगा, KCl बाहर निकलेगा और बन जाएगा CH3 CH2 ON प्लस KCl। देखो तो दो कार्बन है तो इथाइल हो जाएगा, इथाइल और नाइट्राइट हो जाएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एल्काइल नाइट्राइट का निर्माण होता है। लिखो नेक्स्ट रिएक्शन है 6 सबस्टिट्यूशन बाई नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप के द्वारा प्रतिस्थापन एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो एल्किन, नाइट्रो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन नाइट्रो एल्किन नाइट्रो एल्केन का निर्माण। अब इसमें क्या होगा, तो देखो एल्काइल हैलाइड इसे हम AgNO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, AgNO2 इसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्राइड, जिस तरह से वहां पे पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्शन करवा रहे थे उसी तरह से यहां सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो थोड़ा सा चेंज होगा। प्रोडक्ट चेंज कैसे होगा, तो देखो ये तो वही होगा, ये तो एकदम गांठ बांध लो कि हमेशा यहां से मेटल और यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा चीज का ध्यान रखना, जैसे इसमें एक जो साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, जब KCN के साथ करवाएं तो RCN बना, वही AgCN के साथ करवाएं तो RNC बना, उसी तरह यहां पे जब KONO के साथ पोटेशियम नाइट्राइड के साथ करवा रहे थे तो ऑक्सीजन जुड़ रहा था एल्काइल के साथ, लेकिन अब यहाँ पे जब AgNO2 के साथ कराओगे सिल्वर नाइट्राइड के साथ तो ये नाइट्रोजन यहाँ पे जाके अटैच होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, AgX बाहर हो जाएगा और हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RNO2, यानी एल्काइल नाइट्रो एल्केन का निर्माण होगा और AgX बाहर हो जाएगा। वहां पे एल्काइल नाइट्राइड का निर्माण हो रहा था, यहाँ पे नाइट्रो एल्केन का निर्माण होगा, नाइट्रो एल्केन। अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पे जब KNO2 के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो एल्काइल के साथ ये ऑक्सीजन अटैच हो रहा था, NO बाहर था, और यहाँ पे क्या हुआ है, एल्काइल के साथ नाइट्रोजन अटैच हुआ है और ऑक्सीजन बाहर है, तो नाइट्रो एल्केन का निर्माण होगा। एग्जाम्पल के लिए C2H5Cl प्लस आई कर लो, C2H5I+ AgONO सिल्वर नाइट्राइड रिएक्शन कराओ। हम उम्मीद करते हैं आप इसको बना लोगे, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। देखो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा सीमेंट सबस्टिट्यूशन बाय सोडियम एल्काइनाइड और बनता क्या है यहां से, फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन सबस्टिट्यूशन बाय सोडियम एल्काइनाइड फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो देखो पहले तो हिंदी लिख लो, सोडियम
एल्काइनाइड के द्वारा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन बनता क्या है, उच्च एल्काइन, उच्च एल्काइन का निर्माण। अब जैसे इसका मतलब क्या हुआ, मान लो कि पहले से हमारे पास दो कार्बन का एल्काइन है, एक एल्काइन है जिसमें दो कार्बन है, हम चाहते हैं कि तीन कार्बन के एल्काइन का निर्माण हो जाए, तो इस रिएक्शन का हम पालन करेंगे। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे मान लो कि इथाइन से प्रोपाइन बनाना है, प्रोपाइन से ब्यूटाइन बनाना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम करते क्या है कि हम एक लेते हैं एल्काइन RCCH, ये क्या है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो एल्काइन हुआ ना, क्या बोलेंगे इसको, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो एल्काइन। इसे हम रिएक्शन करवाते हैं NaNH2 के साथ, NaNH2, इसका नाम है बच्चों सोडामाइड। क्या नाम है, सोडामाइड। जब आप एल्काइन को सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो देखो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से NH2, देखो ध्यान से फिर से, जब एल्काइन को सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराते हो तो यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से NH2 दोनों बाहर निकलता है और अमोनिया का निर्माण करता है, NH3 का निर्माण करता है, ओके, अमोनिया का निर्माण करता है, और जो बच गया सोडियम वो इसके साथ जुड़ जाता है और बना लेता है RC ट्रिपल बॉन्ड CNA। क्या बना लेता है, RC ट्रिपल बॉन्ड CNA। इसी कंपाउंड को हम बोलते हैं सोडियम एल्काइनाइड, सोडियम एल्काइनाइड, और दिस इज अमोनिया, अमोनिया सोडियम एल्काइनाइड बोलते हैं, सोडियम एल्काइनाइड। एल्काइन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, एल्काइनाइल बोलते हैं उसको, उसमें सोडियम जुड़ गया तो हो गया सोडियम एल्काइनाइड। अब इसी सोडियम एल्काइनाइड को जब हम एल्काइल हेलाइड के साथ, ये क्या है, एल्काइल हेलाइड है, इसी एल्काइल हेलाइड के साथ इसको सोडियम एल्काइनाइड को रिएक्शन कराते हैं, इसका RC ट्रिपल बॉन्ड CNA, तो क्या होगा, अब तो कुछ बताने का जरूरत नहीं है, आप तो जान ही रहे हो, रिकवा याद है ना, यहां से सोडियम मेटल है धातु और यहां से हाइड्रोजन NaX बाहर निकलेगा, तो बनेगा क्या R, उसके बाद C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड C और उसके बाद R प्लस, यहां से Na और यहां से X निकल जाएगा, तो आप देखो तो ये भी एल्काइन ही बना, एल्काइन, लेकिन हायर एल्काइन। पहले कितने कार्बन का एल्काइन था हमारे पास, पहले जो एल्काइन था वो देख रहे हो एक दो, और इधर मान लेते हैं एक कार्बन है, मान लेते हैं इधर तो कुछ भी रह सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, अभी मान लेते हैं कि एक ही कार्बन था, तो एक दो तीन कार्बन का था, अब यहां पे देख लो एक दो तीन चार कार्बन का एल्काइन बन गया। तो जब भी हायर एल्काइन का निर्माण करना हो तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो। तो जैसे देख लो हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसे हमें क्या करना है, पांच कार्बन वाला एल्काइन के साथ रिएक्शन, सॉरी पांच कार्बन वाला एल्काइन बनाना है, तो सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, हमें चाहिए फाइव कार्बन एल्काइन, हमें क्या चाहिए, फाइव कार्बन एल्काइन चाहिए, और ये कितना कार्बन का है, एक दो तीन चार कार्बन का है, ठीक है, या मान के चलो कि तीन कार्बन का है, तीन कार्बन का है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तीन कार्बन का है और हमें चाहिए पांच कार्बन का, तो सबसे पहले तो आप इसे NaNH2 के साथ रिएक्शन कराओ, एग्जांपल दे रहे हैं NaNH2 के साथ रिएक्शन कराओ, तो NH3 बाहर निकलेगा, अभी बनेगा क्या, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C CNA और प्लस NH3 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अच्छा अब पुनः क्या करो कि यहां से जो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNA आया, कितना कार्बन का, एक दो तीन, हमको चाहिए कितना कार्बन का, पांच कार्बन का, तो पांच कार्बन के लिए अभी दो कार्बन और चाहिए, तो दो कार्बन का एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं C2H5Br, ठीक है C2H5Br ले लिए, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं, Na और Br बाहर हो जाएगा और C2H5 जुड़ जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा बच्चों CH3
सी ट्रिपल बॉन्ड सी और इस सी के साथ सी टू एच फाइव जुड़ जाएगा, सी टू एच फाइव प्लस एन ए बी आर। तो बताओ पहले से तीन कार्बन था, एक दो तीन और दो पांच कार्बन का एल्काइन बन गया कि नहीं बन गया। तो इस तरह से रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है हायर एल्काइन के निर्माण के लिए, इसका हम यूज करेंगे। जब एल्काइन को सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम एल्काइनाइड बनेगा और अमोनिया बनेगा। सोडियम एल्काइनाइड को पुनः एल्काइन हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हायर एल्काइन का निर्माण होगा। लिख लो, चलो देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। ये हमारा हो जाएगा नाइन्थ, सब्स्टिट्यूशन बाय इमिनो ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एमाइंस। इमिनो समूह कमी सॉरी इमिनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, एमिनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। और बनता क्या है, एमाइन बनता है। एमाइन कैसे, तो देखो आप ले लो एक एल्काइल हैलाइड, ठीक है एल्काइल हैलाइड, और इससे रिएक्शन करा दो अमोनिया के साथ NH3 के साथ, ठीक है। तो जब एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां से एक हाइड्रोजन यहां पे अभी जाके चेंज हुआ एंट्री, यहां क्योंकि यहाँ पे तो कोई मेटल है नहीं, तो हाइड्रोजन और एच एक्स बना के निकल जाएगा बाहर और हमारा कंपाउंड मिलेगा आर एन एच टू प्लस एच एक्स। तो दिस इज एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड और दिस इज अमोनिया। तो एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एच एक्स बाहर निकलेगा और ये बनेगा एल्काइल एमीन, एल्काइल एमीन, ठीक है। और हाइड्रोजन हैलाइड एच एक्स बाहर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो सी टू एच फाइव बी आर का एन एच थ्री के साथ रिएक्शन करवा दिया, ठीक। तो यहां से एच और यहां से बी आर बाहर निकले और बचेगा एन एच टू, तो एन एच टू सी टू एच फाइव के साथ जुड़ जाएगा, सी टू एच फाइव एन एच टू प्लस एच बी आर। इसका नाम होगा इथेन, इथेन एमीन। क्या नाम होगा, इथेन एमीन नाम होगा, इथेन एमीन। अब ये रिएक्शन यहीं पे रुकेगा नहीं, अगर आप चाहते हो कि फिर से हम इसको रिएक्शन करा दें तो फिर से सी टू एच फाइव बी आर लो, बी आर लो और फिर इसे इसके साथ जो बनाए हो अभी सी टू एच फाइव एन एच टू के साथ रिएक्शन करा दो तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शन चलेगा। फिर एच बी आर यहां से बाहर निकलेगा और बन जाएगा क्या, बन जाएगा सी टू एच फाइव, सी टू एच फाइव और यहां बचेगा एन एच और सी टू एच फाइव, एन एच सी टू एच फाइव, तो ए बन जाएगा प्लस एच बी आर फिर से बाहर हो गया। इसका नाम होगा एन से देखो इथाइल जुड़ा है, एन इथाइल इथेन, इथेन एमीन। इधर इथेन एमीन था ना और इथेन एमीन में एक और इथाइल जुड़ गया तो एन इथाइल इथेन एमीन। अच्छा एक अभी और आगे जा सकता है जब तक कि पूरी तरह से हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो अभी एक बार और रिएक्शन करवा सकते हो, सी टू एच फाइव बी आर प्लस सी टू एच फाइव एन एच सी टू एच फाइव, यही ना हमारा प्रोडक्ट है ए वाला सी टू एच फाइव। एक और एल्काइल हैलाइड ले लिए और ये जो बन के आया इसको फिर से रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक जो लास्ट हाइड्रोजन बचा हुआ है वो भी यहां से एच बी आर के साथ बाहर निकल जाएगा। तो सी टू एच फाइव दो हो गया इधर एन सी टू एच फाइव प्लस एच बी आर, अब एन के साथ दो इथाइल जुड़ गया तो एन एन डाई इथाइल इथेन एमीन, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो अब देखो तीनों में अंतर क्या है, इसे हम बोलते हैं वन डिग्री या प्राइमरी एमीन, वन डिग्री एमीन या प्राइमरी एमीन। इसे बोलते हैं चूंकि NH2 देखो अमोनिया, अमोनिया से एक हाइड्रोजन गया तो NH2, इसे प्राइमरी एमीन बोलेंगे। फिर दो हाइड्रोजन चल गया तो सेकेंडरी एमीन और तीनों हाइड्रोजन खत्म हो गया तो टर्शियरी एमीन। तो दिस इज वन डिग्री या प्राइमरी एमीन, ये हो गया टू डिग्री या सेकेंडरी एमीन,
और ए हो गया थ्री डिग्री या टर्शियरी एमीन। तो इस तरह से हम एल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्राइमरी एमीन बनेगा, फिर प्राइमरी एमीन को एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सेकेंडरी एमीन बनेगा, और सेकेंडरी एमीन को पुनः एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो टर्शियरी एमीन बनेगा। अब चूंकि सारे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के खत्म हो गए हैं तो अब इससे आगे रिएक्शन नहीं होगा। तो ये था हमारा, अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, अंतिम रिएक्शन है हमारा दसवां, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप और फॉर्मेशन ऑफ थायो एल्कोहल जानते हो, SH को हम लोग थायो एल्कोहल बोलते हैं, OH को एल्कोहल और SH को थायो एल्कोहल, एक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो हमें अब निर्माण करना है थायो एल्कोहल का, सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप, हाइड्रोसल्फाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोसल्फाइड समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। तो जैसे होता क्या है कि जब हम एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड KSH के साथ रिएक्शन कराते हैं एल्कोहलिक मीडियम में C2H5OH या फिर एक्वस मीडियम में, दोनों में से किसी एक मीडियम में एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाती हैं, तो देखो ये मेटल है, हैलोजन है, वही ट्रिक लगेगा, KX बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा RSH यानी थायो एल्कोहल, इसका नाम हो जाता है एल्केन थायोल इसका नाम हो जाता है, और KX क्या हो जाएगा बाहर। या इसी रिएक्शन को हम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ भी करवा सकते हैं, RX+NaSH, यही कंडीशन रहेगा सेम कंडीशन, और यहां पे बनेगा RSH+NaX। एग्जांपल के लिए देख लो C2H5Cl+NaSH कैसे हुए रिएक्शन, प्लस माइनस, तो SH आके इसके साथ जुड़ जाएगा C2H5SH+NaCl, इसका नाम हो जाएगा इथेन थायोल। तो इस तरह से हम एल्काइल हैलाइड के साथ ढेर सारे कंपाउंड का रिएक्शन करा के और अलग अलग कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर इसको एक समरी के रूप में देखना चाहो कि हम याद कैसे करेंगे, तो एक टेबल हम बना देते हैं समरी, और उसको देख के आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखो ये हमारा पूरा चार्ट है, टेबल है, ये है एल्काइल हैलाइड और ये सारे कंपाउंड हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जिससे हम एल्काइल हैलाइड का आज रिएक्शन करवाए हैं। तो आपको क्या करना है कि इस रिएक्शन को इसके सामने कंप्लीट करना है। इससे दो काम होगा, एक तो हम जो ट्रिक बताए हैं उसका खाली यूज करना, सब जगह से मेटल को हैलोजन के साथ, यहां से के धातु है और एक्स हैलोजन है, KX बाहर निकलेगा और ROH बन जाएगा, तो यहां से आपको बहुत फायदा होने वाला है। एक तो एग्जाम टाइम में बहुत कम समय बचता है तो रिवीजन में ये काम आएगा, पूरा रिएक्शन वैसे ना पढ़ के एक जगह पे हम चार्ट में देख लेंगे, सारा कुछ याद हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से पढ़ाई करने का तरीका आपके पास होना चाहिए कि एक बड़े चीज को एक बार में, मतलब कहावत तो सुनी हो ना कि जीतने वाले कोई दूसरा काम नहीं करते, उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो यही अलग तरीका हम आपको हर जगह बताते हैं जिससे कि आप औरों से अलग हो और सफल हो जाओ। तो
इस तरीका से देखो तो अभी तक उसको पढ़ने में कितना टाइम लगा, लेकिन यहाँ पे जब आप रिएक्शन को कंप्लीट करोगे, जो भूल जाओगे उसको क्या करना, पीछे कॉपी में देखकर कंप्लीट करना, फिर हम ये चार्ट बना के और पूरी तरह से वहाँ पे फोटो इसका अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग कंप्लीट करना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल और रिएक्शन विथ